दोस्तों एक्ने या मुहासों का ट्रीटमेंट करते समय हमारा गोल ये रहता है कि नए एक्नों को होने से रोकना है और पहले वाले एक्ने से होने वाले निशानों को भी मिटाना है। इनमें सबसे पहले आता है टॉपिकल एक्ने मेडिकेशन यानी एक्ने पर लगाने वाली दवाएं। इन्हें आप अपनी स्किन पर किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर की तरह लगा सकते हैं। दोस्तों हालांकि हम आपको ये दवाएं बता रहे हैं पर आपको ये दवाएं बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं लेनी है। ये दवाएं एक्ने की शुरुआती स्टेज में फायदेमंद रहती हैं। इन दवाओं में सबसे पहले आता है बेंजोइक परोक्साइड, जिसे आप एक्ने पर लगाकर रात भर छोड़ भी सकते हैं या फिर एक घंटे बाद धो सकते हैं। बेंजोइक परोक्साइड एक्ने करने वाले बैक्टीरिया को टारगेट करता है और एक्ने को बढ़ने से रोकता है। बेंजोइक परोक्साइड के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि स्किन का ड्राई होना और स्किन इरिटेशन होना, पर आपके एक्ने की सेवेरिटी के अनुसार अगर कम कंसंट्रेशन और लगातार धो देने वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएं तो स्किन को कम इरिटेशन होगी। अगला ट्रीटमेंट है सैलिसिलिक एसिड, जो मार्केट्स में क्लीजनर, फेस वॉश, सीरम और लोशन के फॉर्म में उपलब्ध होता है। सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है और एक्ने की ऊपरी सतह को हटाता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है और पोर्स को ब्लॉक होने से बचाता है। सैलिसिलिक एसिड से आपकी स्किन ड्राई और लाल हो सकती है और स्किन फ्लैकी भी हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार फ्रीक्वेंसी में ही इसका इस्तेमाल करें और इन साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखें कि अगर ये साइड इफेक्ट्स अनबियरेबल हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगला ट्रीटमेंट है अजिलिक एसिड, यह भी बाजार में फेस वॉश, सीरम, लोशन फॉर्म में उपलब्ध है। अजिलिक एसिड स्किन पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मारता है और स्वेलिंग को कम करता है। इम्पोर्टेंट यह है कि अजिलिक एसिड प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आते हैं रेटिनॉइड्स या विटामिन ए डेरिवेटिव्स। रेटिनॉइड्स एक्ने के सबसे पहले लक्षणों यानी कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को मिटाता है और पोर्स को क्लॉग या ब्लॉक होने से रोकता है। रेटिनॉइड्स को सिर्फ एक्ने ग्रस्त स्किन पर ही नहीं पूरी स्किन पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नए एक्ने ना बन पाए। रेटिनॉइड्स का असर देखने के लिए इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, इसलिए डॉक्टर द्वारा बताए गए कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए और बीच में इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रेटिनॉइड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि रेटिनॉइड से होने वाले बच्चे को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल हमेशा रात में करना चाहिए और सुबह उठते ही चेहरे को धो देना चाहिए और दिन में हमेशा कम से कम 30 या उससे ज्यादा SPF का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि रेटिनॉइड्स स्किन सेल्स का टर्नओवर बढ़ाता है और जिससे डेड सेल्स हट जाती हैं और उसकी जगह नई सेल्स ले लेती हैं और ये नई सेल्स सनलाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आपको दिन में हमेशा रेटिनॉइड्स के इस्तेमाल के दौरान सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना है। इन टॉपिकल मेडिकेशंस में अगला है एंटीबायोटिक्स जैसे कि क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स स्किन की तरह सतह की एक्ने करने वाले बैक्टीरिया को हटाता है। अगर इन एंटीबायोटिक्स को बेंजोइक परोक्साइड के साथ इस्तेमाल किया जाए ये ज्यादा असरदार होती है। अगला ट्रीटमेंट है डेप्सोन। डेप्सोन जेल को एक्ने पर लगाया जाता है। डेप्सोन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये इन्फ्लेम्ड एक्ने को ठीक करने में काफी असरदार होता है। अब बात करते हैं ओरल एक्ने मेडिकेशंस की, यानी कि वे दवाएं जो टैबलेट फॉर्म में आती हैं और जिन्हें आप खा सकते हैं। अगर टॉपिकल दवाओं से एक्ने सही नहीं हो रहे हैं और एक्ने बड़े होते जा रहे हैं और साथ ही साथ नए एक्ने भी निकल रहे हैं तो ओरल मेडिकेशन का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एक्ने होने के कारण में बैक्टीरिया भी है, इसलिए एंटीबायोटिक्स एक्ने के ट्रीटमेंट में बहुत जरूरी हो जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, मिनोसाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स मॉडरेट से सीवियर एक्ने में काफी फायदेमंद होती है। चूंकि एक्ने के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक दी जाती है तो इनसे गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है जिससे डायरिया और ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, वे आपको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या एंटीबायोटिक बदल भी सकते हैं। ये प्रोबायोटिक्स इन साइड इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करेंगे। अगली ओरल मेडिकेशन है आइसोटेटिनोइड, जो कि ओरल रेटिनॉइड्स है।
आइसोट्रेटिनोइन हमारे ऑयल बनाने वाले ग्रंथियों को सिकोड़ता है और एक्ने को बनने से रोकता है। आइसोट्रेटिनोइन हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही इस्तेमाल करना चाहिए और इस ट्रीटमेंट के दौरान हर 1 से 2 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट कराना भी जरूरी है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन लिवर के एंजाइम बढ़ाता है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को आइसोट्रेटिनोइन का इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इस मेडिसिन को बिल्कुल नहीं लेना है, और डॉक्टर से राय लेते समय हमेशा ये बात जरूर बतानी है कि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग है। अगली मेडिसिन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब गर्भ निरोधक दवाएं। जिन महिलाओं को हार्मोनल इंबैलेंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित होने की वजह से एक्ने हो गए हैं, उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो पीरियड्स को रेगुलर करते हैं और शरीर में हुए हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करते हैं।